समाज बचाओ कमेटी जमशेदपुर द्वारा आयोजित फर्स्ट मेगा माइनॉरिटी कल्चरल कॉम्पिटिशन का हुआ समापन, लड़कियों ने मारी बाजी। मानगो आजाद नगर की ईदगाह मैदान में रविवार के दिन दो दिवसीय फर्स्ट मेगा इंट्रा सिटी माइनॉरिटी कल्चरल कॉम्पिटिशन का समापन किया गया। इस इवेंट्स में कुल 7 प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें जमशेदपुर के 20 से ज्यादा स्कूल्स के 350 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। समाज बचाओ कमेटी के सदर ने बताया कि इस इवेंट में कीरत प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, बैट बाजी, इस्लामिक क्विज एवं सामान्य क्विज के प्रतियोगिता कराए गए थे। प्रतियोगिता के विजेताओं को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं ईंचागढ़ के विधायक सविता महतो के द्वारा सम्मानित किया गया। अतिथियों में गंगौर स्वीट्स के मालिक हर्ष मेहता, ब्रह्मानंद नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर वाहिद खान, अधिवक्ता हमीद रजा, समाज सेवी सनाउल्ला अंसारी एवं समाज सेवक नूरुल हक अंसारी मौजूद थे, जिन्होंने सभी जीते हुए खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला और बढ़ाया। समाज बचाओ के इरफान आलम ने बताया कि इवेंट के कुल 7 प्रतियोगिता के 350 से ज्यादा विद्यार्थियों में जीते हुए 30 बच्चों में 75% लड़कियों ने खिताब पर कब्जा किया है। इरफान आलम ने बताया कि कमेटी के काम करने के अनेक फील्ड में सबसे ऊपर महिला सशक्तिकरण ही है, जिसमें कमेटी के लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। कीरत कंपटीशन में झारखंड पब्लिक स्कूल की सुमैया तैयब ने बाजी मारी। दूसरे और तीसरे स्थान पर सामिया फिरदौस और फहद अहमद रहे। बैट बाजी में एमओ एकेडमी स्कूल ओल्ड पुरिया रोड के हुजैफा शाहिद और अब्दुल अफरीदी रहे। दूसरे स्थान पर माफसा क्लासेस की अफसाना, फलक और शकीला रही। वहीं तीसरे स्थान पर अलमनार स्कूल की समरीन, बुशरा और शहरी तनवीर रहे। स्पीच कंपटीशन में ऑक्सफोर्ड क्लासेस की छात्रा पायल रानी मंडल विजेता रहीं। दूसरे स्थान पर करीम सिटी कॉलेज के मोहम्मद शारिक और तीसरे स्थान पर करीम सिटी कॉलेज की ही जवेरिया नूर रहीं। ऐसे कंपटीशन में अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा अनम यूसुफ विजेता रहीं। दूसरे स्थान पर टेलको चिन्मया विद्यालय की अजरा परवीन और तीसरे स्थान पर एमओ एकेडमी की सानिया परवीन रहीं। इस्लामिक क्विज कंपटीशन में पहले स्थान पर मोहम्मद शारिक और मोहम्मद समर की जोड़ी रही। दूसरे स्थान पर रजा और शादाब की जोड़ी और तीसरे स्थान पर अनम और अलीशा की जोड़ी रही। वहीं जनरल क्विज में अख्तर क्लासेस के हाशिर और जस्मीन परवीन ने खिताब पर कब्जा किया। दूसरे स्थान पर करीम सिटी कॉलेज के तन्मय और शुभांशु रहे। तीसरे स्थान पर कबीर मेमोरियल उर्दू स्कूल के आतिर और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी रही। ड्राइंग प्रतियोगिता में बच्चों को कैटेगरी में अलमनार स्कूल की कायनात फातिमा, दूसरे स्थान पर मायरा आदिल और तीसरे स्थान पर मंतहा मल्लिक रहे। ड्राइंग के दूसरे ग्रुप में आयशा खानम, इफ्रा शाहीन और कृष्णा कुमार विजेता बने। ड्राइंग के तीसरे ग्रुप में आतिया वारशी, समरीन फिरोज और डिम्पल कुमारी विजेता रही। वहीं आखिरी ग्रुप में रईस आलम, अलविया यूसुफ और अजरा परवीन ने बाजी मारी है। अब जो मैं आवाज दे रहा हूँ, मोमा कमर, मोमा कमर आप प्लीज स्टेज पे आए। करीम सिटी कॉलेज से हैं होमा कमर। इंपैक्ट ऑफ जहेज इन आवर सोसाइटी, बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है होमा कमर ने। तो अब आपका वक्त शुरू होता है होमा, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आज एक बाप ने अपनी जिंदगी सौंप दी और लोग पूछते हैं क्या लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम में जहेज को हराम करार दिया गया है। इस्लाम में लड़कियों को और लड़कों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, मगर हम क्या करते हैं? दहेज दहेज दहेज, क्या इतना जरूरी है ये दहेज हमारे लिए? यहाँ तक कि आज दहेज की वजह से कितनी सारी हमारी बहनों ने अपनी जानें गंवा दी, क्या इतना जरूरी है दहेज हमारे लिए? पहले के जमाने में जब एक बाप अपनी बेटी को निकाह में दिया करते थे, तब वो अपनी मोहब्बत से उन्हें तोहफा दिया करते थे। आज उसी तोहफे को हमने दहेज का नाम दे दिया है, क्या ये सही है? आज सभी के सामने इस छोटी सी उम्र में मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। एक बाप ने अपनी बेटी, अपनी अजीम दौलत लड़के वालों को सौंप दी, मगर फिर भी उनके दिल नर्म नहीं हुए, फिर भी उन्हें दहेज चाहिए। इस दहेज का हम बेटियों पे कुछ इस तरीके का असर पड़ता है। कभी किसी बेटी को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो भाग कर निकाह कर ले। कभी उस बेटी को जो माँ बाप की जीनत है, उसे सुसाइड जैसे नुकसान तक पहुँचा कर छोड़ती है ये दहेज। कभी माँ बाप के शर्म शर्म हो जाते हैं अगर वो दहेज ना दे पाते। क्या दहेज इतना जरूरी है किसी के लिए? वही बेटी जो माँ बाप की जीनत होती है,
वही बेटी जो माँ बाप की सबसे बेहतरीन औलाद, जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वही बेटी उनके लिए बोझ बन जाती है। उनपे तरह तरह के जुल्म सितम ढाए जाते हैं। यही जुल्म सितम को देखते हुए और उन बेटियों को माँ बाप की अजीमत और रहमत बनाने के लिए हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जहेज एक ऐसी चीज है जिसने आजकल हमारी बेटियों को शादी जैसी अजीम सुन्नत से महरूम कर दिया है। उन्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप पर एक बोझ है। क्या ये बात सही है? आज दहेज की वजह से बहुत सारी लड़कियों ने ये सोच लिया है कि हम अपने माँ बाप पर बोझ है और हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि हमारे माँ बाप ये ना बोले, उनका शर्म से सर ना झुके इस दहेज को मामले को लेकर। हमें अपनी बहन बेटियों को समझाना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि उन्हें दहेज देकर विदा कर देना चाहिए। क्या दहेज देने के बाद भी इसकी कोई गारंटी है कि वो खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे? नहीं। एक बार जान ले आप सभी लोग, जिसने एक बार दहेज की डिमांड की वो अगली बार भी कर सकता है। आखिर में मैं ये बोलकर एंड करना चाहूंगी कि काश पैसों से आपने मुझे ना तोड़ा होता, काश पैसों से आपने मुझे ना तोड़ा होता, तो आज दहेज में, दहेज की आग में कोई भी लड़की जल नहीं रही होती। बहुत बहुत शुक्रिया।